दहेज एक ऐसा अभिशाप बन गया है कि हर दिन कोई न कोई बेटी इसका शिकार जरूर होती है। हमारे पढ़े लिखे समाज में दहेज लोभियों की कमी नहीं है, लेकिन इस कुरीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली लड़कियां भी कम नहीं हैं। ताज़ा मामला मऊ जिले का है, जहां शादी के दिन ही दहेज मांगने वाले दूल्हे से दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने दूल्हे से कह डाला कि भाग जा कुत्ते, तुझसे शादी नहीं करनी। पापा का बहुत बेइज्जती करने, बहुत गाली पापा का नाम के अच्छा ना लगे, हम को हम शादी ना करम, पापा का तने को बेइज्जती ना बर्दाश्त करी ना, आज जो कुत्ते हम शादी नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक चकरा गांव निवासी कंचन की शादी जिले में ही मुंशीपुरा निवासी सुनील गौड़ उर्फ सन्नी से होनी थी। दूल्हा सुनील बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। लड़की वालों ने बड़े ही धूमधाम तरीके से बारात का स्वागत किया। लड़के के पिता जनार्दन गौड़ ने दुल्हन के पिता फेकू गौड़ से रस्म के दौरान दहेज की मांग की, लेकिन दुल्हन के पिता ने मना कर दिया, जिसके बाद दूल्हे के पिता ने दुल्हन के पिता का जमकर अपमान किया। साहब, ये हुआ था कि दरवाजे पर आकर दहेज प्रथा लेकर सब नहीं, शादी अभी नहीं हुई थी साहब, अभी तो जयमाल परछौना हो गया। पहले तो जलील कर ही चुके थे हमको, पूरा गांव के लोग देखे, लड़की भी सुनी कि इस तरह से हमारी बाप को परेशान कर रहे हैं, कल की शादी कैसे कई दिन शादी कर रहे हैं। इस बात की खबर जब दुल्हन कंचन को हुई तो उसके पैरों तले जमीन घिसक गई। वह अपने पिता का अपमान सहन न कर सकी। उसने मंच पर ही दूल्हे से कह दिया कि भाग जा कुत्ते, तुझे शादी नहीं करनी है। इसके बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। दूल्हा भी बारात लेकर वापस चला गया। कंचन के इस फैसले से समाज में एक मिसाल कायम हुई है और दहेज लोभियों को एक सबक मिला है। नागेंद्र कुमार मऊ, जनमन टीवी।